तो भाई लोगों, ई रिक्शा से हम उतर के पहुंच गए हैं ब्रह्म सरोवर। पूतना नामक राक्षसी का वध किया था दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों। दोस्तों आज असि किसी काम से चले कुरुक्षेत्र अपने ऑफिशियल काम से चलिया मैं, तो देखते हैं उत्थे कोई धार्मिक स्थल, कहते बथेरे बहुत इतिहासिक मंदिर, तो सोचते हैं कि चलो हिंदू भावों उन्होंने मंदिरों के दर्शन कराइए, जो भी इतने धार्मिक स्थल है उन्होंने दर्शन कराइए। तो चलो दोस्तों चलिए। फिर जाने तो पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देनी है, साड़ी छोटी बेटी का, मेरे दोस्त की बेटी का एक गाना आया है, आ देखो दोस्तों। तुसी यूट्यूब पे जाके इन्हें शेयर करो। खाने के लिए ले लिया जाए दोस्तों, एक पॉपकॉर्न, एक चिप्स दे दो, चिप्स भी पीले वाला दे दो, क्लासिक। तो पाजी आज भी नॉर्मल डब्बे में सफर करेंगे, जनरल वाले में, तो इसमें हमें भागम भाग करनी पड़ेगी सीट के लिए। तो दोस्तों किस्मत अच्छी अपनी, अपने को मिल गई सीट, विंडो सीट। तो अभी गाड़ी में कुछ रश नहीं है ज्यादा, बढ़िया। नई दिल्ली से जंक्शन आ गया भाई। तो दोस्तों हम कुरुक्षेत्र स्टेशन पे उतर चुके हैं और यहाँ मैंने किसी से पता किया है कि यहाँ पर कोई ऐतिहासिक जगह है जो घूमने लायक हो, दिखाने लायक हो। तो सबने मेरे को कहा कि ब्रह्म सरोवर है, वहीं पे आसपास ऐतिहासिक स्थल बहुत है, तो आप देख सकते। तो हम ब्रह्म सरोवर चलते हैं दोस्तों, यहाँ से ई रिक्शा मिलेगा, वही लेके जाएगा मैं ब्रह्म सरोवर, और फिर वहां जाके फिर आपको एक एक चीज देख, जो भी ऐतिहासिक है, कौरव पांडव श्री कृष्ण महाराज जी के टाइम की, उसके दर्शन करवाते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों फिर चलते हैं ब्रह्म सरोवर की तरफ। तो दोस्तों स्टेशन के बाहर से ही आपको ई रिक्शा मिल जाते हैं जो आपको ब्रह्म सरोवर तक लेके जाएंगे। यहाँ से 20 रुपए की सवारी है, 20 रुपए लगते हैं ब्रह्म सरोवर के। तो भाई लोगों, ई रिक्शा से हम उतर के पहुंच गए हैं ब्रह्म सरोवर पे, तो यहाँ से एंट्री करते हैं और अंदर आपको दर्शन करवाते हैं ब्रह्म सरोवर के। दोस्तों कैमरे में स्पेस कम है, कुछ चीजें मैं डिलीट करना भूल गया, इसकी वजह से स्पेस कम है, तो ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, जो जो मेन मेन चीज है वो दिखा पाऊंगा आपको। ये दोस्तों ब्रह्म सरोवर का मेन गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं। देश भर से चारों तरफ से यहाँ पर लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा से माथा टेकने, स्नान करने। हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी माना जाता है। देखिए लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और बहुत बड़ा सरोवर है, भाइयों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी माना जाता है। देखिए लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और बहुत बड़ा सरोवर है भाई, करीब दोस्तों आधा किलोमीटर लंबा सरोवर है ये, और ये अभी आधा पार्ट है, आधा उस तरफ है, दूसरी तरफ भी चलते हो, बीच में से रास्ता दे रखा है। तो आप इसको देखिए कितना बड़ा सरोवर है। तो जहां से मैं रिक्शे पे बैठ के आया था तो कम से कम 1 किलोमीटर वही रिक्शा चला जहां से ब्रह्म सरोवर स्टार्ट हुआ, तो ये आधा हिस्सा है दोस्तों। अब दूसरी तरफ चलते हैं, सरोवर की प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही, यहाँ पर सिल्लियों पे ना बहुत ज्यादा काई है।
कि यहाँ पर इनको देखना चाहिए जो भी प्रबंधक है, साफ सफाई बहुत गहरी चोट लग सकती है कोई फिसल गया तो। दोस्तों वहां से शुरू होता है और बीच में ये रास्ता दे रखा है और इस तरफ भी सरोवर है और दूर दूर तक आपको सरोवर ही नजर आएगा। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। ये सरोवर के अंदर है मंदिर है जी सर्वेश्वर महादेव जी का। फोटो खींचना मना है। तो इस सरोवर में दोस्तों मछलियां भी हैं, जो भी श्रद्धालु आता है प्रसाद वगैरह यहाँ पे डालते हैं, उन मछलियों को खाना देते हैं कोई दाना वगैरह। तो इतिहास के अनुसार यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो कौरव और पांडवों का युद्ध यहीं पे हुआ था दोस्तों। यह है दोस्तों मंदिर के बाहर की सड़क जो मेन सड़क है, यहीं पे बाजार लगा हुआ है, काफी बड़ा बाजार लगता है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो कैमरे में स्पेस बहुत कम है यार, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा नहीं सकता, बाजार बहुत बड़ा है तो मेन मेन ही चीज दिखाऊंगा। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा आपके लिए यार, कितनी गर्मी में मैं वीडियो बनाता हूँ यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। आपका क्या यार, एक बटन दबा दो बेल आइकॉन का और सब्सक्राइब का, तो मेरी हर वीडियो आपके पास आती रहेगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मैं दिखाता रहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। ये है जी भीष्म जी का मंदिर। भीष्म जी यहाँ पे छैया पे तीरों की छैया पे प्रतिमा बना रखी है इन्होंने, तो ये ऐतिहासिक जगह है, उसी हिसाब से यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है, प्राचीन मंदिर है ये। चलो देखते हैं अंदर चल के दोस्तों। ये अंदर जाके आए हैं तो उसकी 10 रुपये टिकट है टूरिज्म की तरफ से। दोस्तों अब हम आ गए अंदर झांकियों के दर्शन करने के लिए, आपको झांकियों के दर्शन करवाते हैं। ये देखते हैं शिव शंकर जी ने अर्जुन जी को अस्त्र भेंट किए। ये द्रौपदी विवाह की स्वयंवर की है जो अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा। ये श्री कृष्ण महाराज जी ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था और इधर श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें ज्ञान दे रहे, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर कर्ण का वध करने के लिए श्री कृष्ण महाराज जी बोल रहे हैं। तो जब कर्ण का रथ का पहिया टूट गया था, वो रथ से नीचे था, तो कृष्ण जी ने ऑर्डर किया कि इसको तीर मार दिया जाए। और ये है कृष्ण जी और बलराम जी की झांकी। बहुत अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कृष्ण जी ने बकासुर वध किया, ये मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, इसको आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा। बकासुर का वध करते हुए श्री कृष्ण जी और बलराम जी। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी का हरण किया। और ये श्री कृष्ण जी ने रेयमंतक मणि प्राप्त की। ये द्रौपदी का चीरहरण करते हुए दुशासन और दुर्योधन
और श्री कृष्ण महाराज द्रौपदी की लाज बजाते हुए। द्रोणाचार्य जी सभी कौरव पांडवों को युद्ध शिक्षा दे रहे हैं। और ये है दोस्तों आपका छोटा भाई निक्का, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है, जो आपको इन पूरी झांकियों के दर्शन करवा रहे हैं इतनी गर्मी में, और आप घर में एसी में बैठकर इन झांकियों के दर्शन कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे और शेयर भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों कृष्ण महाराज जी आपको भी देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब आपको कर देना चाहिए। दोस्तों मेरा चैनल चलेगा तो मैं आपको अच्छे अच्छे मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिदों सबके दर्शन करवाऊंगा। और खाली धर्म स्थानों के नहीं, हंसी मजाक का भी चलेगा अपना व्लॉग, सब कुछ चलेगा, फ्रेंडली भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा। लेकिन सबसे पहले मैंने नया नया व्लॉग चालू किया है तो सोचता हूँ कि कुछ धार्मिक काम पहले होने चाहिए। आप आइए यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे मंदिर है भीष्म जी का, तो उसी में झांकियों का लगा रखा है इन्होंने म्यूजियम। 10 रुपये टिकट है, मात्र 10 रुपये टिकट, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति है, कोई खास भीड़ भाड़ नहीं, आप आएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो चलो दोस्तों, सरदार मिक्का जी ने आपको सभी झांकियों के दर्शन करवा दिए, आपने भी कर लिए। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिलेशनों में शेयर भी करें।